perfect together. But you hurt me so much. हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुझे आर एस अपनी प्रॉपर्टी हमारा सपना सबका घर होगा अपना। दोस्तों आज फिर से आए हैं पटियाला 4 BHK कोठी आपके लेके। सबसे पहले जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाती है कार पार्किंग, एक बड़ी कार भी आप इजी पार्क कर सकते हो, साइड में आप बाइक वगैरह भी पार्क वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पर आते हैं दोस्तों डबल डोर, सबसे पहले आपको मिलता है जाली वाला गेट, उसके बाद यहाँ पर आपको हैवी गेट मिल जाता है जो कि 8 फीट तक यहाँ पर होने वाला है। और उसके बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाना स्टार्ट करूँ, बहुत ही प्यारा एलिवेशन यहाँ पर उसका रहने वाला है, बहुत ही प्यारा वर्क इसमें किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किचन। किचन यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस यहाँ पर किचन बना दिया है, जो कि आप देख सकते हो ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर चिमनी के लिए स्पेस आपको दे दिया है, और जिस क्लोजर वाले होने वाले हैं जो कि यहाँ पर एसिटीज़ आपको मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको जो भी और एक्स्ट्रा सामान रखना है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। उसी के साथ में सामने आ जाते हैं हमारा, यहाँ पर आप देखोगे तो स्टेयर्स इसके अंदर से होने वाली है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर से स्टेयर्स रहेंगी इसकी। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा LED पैनल, जो कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा LED पैनल यहाँ पर बनाया हुआ है, जो स्टेज के नीचे इसको पूरे एरिया को कवर कर दिया है। यहाँ पर आपने कोई भी एक्स्ट्रा सामान रखना है, डेकोरेशन वगैरह का सामान रखना है तो यहाँ पर आप रख सकते हो। और साथ में आ जाता है लिविंग एरिया, लिविंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस यहाँ पर इसका रहेगा। 6 सीटर 8 सीटर सोफा भी लगाते हो तो भी आपको स्पेस की कोई कमी नहीं होने वाली, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलने वाला है। 3D वॉलपेपर का यहाँ पर वर्क किया गया है, और फॉल सीलिंग जैसे आप देख रहे हो वैसे ही आपको मिल जाएगी बिल्कुल। साथ में दोस्तों हम उसके सामने आते हैं हमारा फर्स्ट बेडरूम, तो ये आता है हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस यहाँ पर होने वाला है बेडरूम। इसमें भी 3D वॉलपेपर का वर्क किया गया है, और सामने मिल जाता है हमारा LED पैनल जो कि आप देख सकते हो पूरा वुडन का यहाँ पर LED पैनल होने वाला है। और बात करूँ वॉशरूम की तो वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहेंगे, और टाइल का जो वर्क किया गया है वो पूरा ऊपर तक यहाँ पर टाइल को कवर किया गया है। CRA के सैनिटरी आपको मिल जाएगी, और साथ में हमारी रहती है विंडो, उसके बाद एडजस्ट फैन के लिए स्पेस ताकि आपको वेंटिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये आ जाता है हमारा कवर्स, जो कि आप देखोगे पूरी ऊपर तक कवर की गई है, जो भी आपने सामान वगैरह रख सकते हो। फॉल सीलिंग जैसे आपको दिख रही है सेम ऐसी मिल जाएगी। हमारा आता है सेकंड बेडरूम, सेकंड बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहेगा, और यहाँ पर आपको स्पेस समझने में आपको आसानी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बेड लगा हुआ, उसके बाद भी यहाँ पर आपको देखो कितना ज़्यादा स्पेस यहाँ पर आपको मिल रहा है। साथ में हमारी LED पैनल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो LED पैनल पूरा यहाँ पर नीचे तक कवर की गई है, और यहाँ पर जो भी आपने एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखना है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। साथ में हमारा आते हैं अटैच वॉशरूम, और वॉशरूम के जैसे मैंने आपको बताया टाइल का जो वर्क है ऊपर तक किया गया है ताकि नमी की प्रॉब्लम ना रहे। CRA के सैनिटरी होने वाली है, और यहाँ पर विंडो भी दे दी है, एडजस्ट करने के लिए स्पेस वहाँ पर आपको मिले ताकि वेंटिलेशन की कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। और ये आ जाता है साथ में हमारा वॉशिंग एरिया, वॉशिंग एरिया देखोगे वॉशिंग एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है, एक मशीन लगा के आप आराम से वॉशिंग वगैरह कर सकते हो, ऊपर से बिल्कुल खुला होने वाले हैं यहाँ पर ताकि वेंटिलेशन की कोई भी दिक्कत ना हो। उसी के साथ में दोस्तों हम चलते हैं अपना ऊपर, ऊपर भी कवर करते हैं क्योंकि 2 BHK हमारा ग्राउंड फ्लोर है, और 2 BHK ही हमारा फर्स्ट फ्लोर है। 4 BHK होने वाला है डुप्लेक्स स्टेज जो अंदर से दी गई है, तो यहाँ से हम चलते हैं अपना ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी पूरा 3D वॉलपेपर का वर्क किया गया है, और ऊपर भी आप देख सकते हो काफ़ी प्यारी डिजाइनिंग यहाँ पर इसमें बनाई हुई है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ऊपर आते हैं कि आप स्टेज से ऊपर चढ़ते हैं, सामने आता है हमारा थर्ड बेडरूम जो कि आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है यहाँ पर, और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हो सब में अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये जो है यहाँ पर वॉल प्लेन रखी हुई है, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई अगर दूसरी वॉल लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो। और ये आ जाती है हमारी फ्रंट बालकनी, तो ये आ जाएगी हमारी फ्रंट बालकनी जो कि आप देखोगे स्पेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होने वाला है। इवनिंग टाइम में मतलब टी कॉफी इंजॉय कर सकते हो, चेयर वगैरह लगा सकते हो, और वर्क यहाँ पर देखोगे टाइल का वर्क किया गया है, ये भी बहुत प्यारा यहाँ पर होने वाला है। उसी के साथ हम चलते हैं अपने फोर्थ बेडरूम की तरफ। मैं जाने से पहले हम आपको दिखा दूँ जो वॉशरूम रहेगा दोनों का कॉमन रहेगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हम इसको फोर्थ बेडरूम से कवर करेंगे। तो ये आ जाती है हमारी फोर्थ बेडरूम की एंट्री जो कि यहाँ पर आप देखोगे ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस यहाँ पर होने वाला है। वॉल इसकी भी प्लेन मिलने वाली है, फॉल सीलिंग जैसी आपको थर्ड बेडरूम में थी वैसी ही सेम इसकी होने वाली है। यहाँ पर हमारी विंडो आ जाती है, और साथ में आता है हमारा LED पैनल, और जो वॉशरूम की कनेक्टिविटी थी दोनों रूम से वॉशरूम यहाँ पर इसमें रहने वाला है। और साथ में हमारी यहाँ पर आ जाती है कबर्ड जो कि पूरा ऊपर तक कवर की गई है, और साथ में हमारी मिल जाती है यहाँ पर। तो ये आ जाती है हमारी ड्रेसिंग जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी आपने सामान रखना है वो उसके अंदर यहाँ पर आप रख सकते हो। उसके बाद चलते हैं अपना बैक साइड, बैक साइड जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक हमारा स्टोर रूम जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आप इसको एज ए स्टोर रूम या फिर अगर आपने पूजा घर वगैरह बनाना है तो उसको बना सकते हो। तो यहाँ पर उसके लिए अलग से स्पेस दे दिया है, और फॉल सीलिंग यहाँ पर देखोगे इसकी
बहुत ही प्यारी डिज़ाइन यहाँ पर बना दी है जो कि आप देखोगे देखते आपको पसंद आ जाएगी। उसके बाद में हम चलते हैं अपना बैक साइड, और बैक साइड एरिया कवर करने के बाद हम कवर करेंगे इसका प्राइस, इसकी लोकेशन कहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों इसका बैक साइड एरिया भी अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होने वाला है, और ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स यहाँ से आपको दे दी है जो भी अगर आपने ऊपर जाना है। और यहाँ पर पूरा नीचे भी पूरा टाइल कवर किया गया, मतलब टाइल बिछाई हुई है। इसका जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, और यहाँ पर आप देखो अगर यहाँ पर आप एक छोटा सा किचन टाइप से बनाना चाहो तो बना सकते हो, दो मतलब लगा के पार्टी वगैरह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको मिल जाता है। कम से कम 20 लोगों की गैदरिंग यहाँ पर आराम से आप कर सकते हो। दोस्तों बात करें इसके प्राइस की, इसकी लोकेशन की, तो लोकेशन होने वाली है पटियाला नियर ट्रिप्टी मार्केट, सरहिंद हाईवे के बिल्कुल पास में यहाँ पर होने वाली है। 145 गज का 4 BHK डुप्लेक्स, इसका जो प्राइस होने वाला है वो रहेगा 57 लाख रुपये। तो फटाफट से दोस्तों आइए, कॉल कीजिए, बुक कीजिए, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।